कभी खेल भावना का सहारा तो कभी ये बात कि कलाकार सरहद की बंदिशों में कैद नहीं होता। ये वो मिठास भरी बातें हैं जिनका सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से को ठंडा करने की कोशिशें होती हैं। लेकिन आज हम इन मिठास भरी बातों को करने वालों के कुछ तथ्य भी दिखा देते हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो उनके लिए सच की कड़वी गोली साबित होगी। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। बीसीसीआई ने पीओके में ही टी20 लीग का जब विरोध किया तो शाहिद अफरीदी के अंदर का क्रिकेटर मर गया और पाकिस्तानी जाग गया। शाहिद ने बीसीसीआई पर क्रिकेट और राजनीति के घालमेल का आरोप लगाया। अब आप जरा समझिए, हम हमेशा बात करते हैं कि नहीं देखिए खेल में तो भारत पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, खेल में किसी तरीके की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बात पाकिस्तान के क्रिकेटर की पहुंचती है तो वो कैसे पाकिस्तानी बन जाता है, खेल उसके लिए पीछे हो जाता है, ये शाहिद अफरीदी को देख करके समझ में आता है। जब आतंकी से डरकर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया तो शाहिद अफरीदी ने अंदर का पाकिस्तान फिर से उनके जागा। शाहिद ने अपने मुल्क में आतंकियों के सरपरस्तों से सवाल करने के बजाय भारत पर ही ठीकरा फोड़ दिया। क्या स्वराज शाहिद अफरीदी को नफरती चिंटू कहने का साहस जुटा पाएंगी? क्या स्वराज शाहिद को बता पाएंगी कि खेल भावना सरहद से अलग होती है? अब माहिरा खान की कहानी भी सुन लीजिए। पुलवामा के शहीद जवानों का बदला लेने के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान भड़क गई। माहिरा के अंदर का पाकिस्तानी जाग गया और उन्होंने भारत को भला बुरा कहा। ये वही माहिरा खान हैं जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म रईस से नाम और दाम दोनों कमाए। और आप सोचिए, हमारे देश के कुछ लोग हैं जैसे ही ऐसी बात शुरू होती है हम तुरंत कला पे चले जाते हैं, कलाकार पे चले जाते हैं और कहते हैं कि इनको सरहदों में नहीं बांधना चाहिए। क्या स्वरा माहिरा खान को जमीन की खूबसूरती और मिले हुए इतिहास का असर समझा पाएंगे? आतिफ असलम, स्वरा भास्कर जैसे लोग आतिफ असलम के सुर के दीवाने हैं, लेकिन इन्हीं आतिफ असलम ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद विवादित पोस्ट किया। आतिफ ने कहा कि मैं कश्मीरियों के साथ हो रही हिंसा और उत्पीड़न की भी निंदा करता हूं। अब क्या स्वरा नुसरत फतेह अली खान का वो वीडियो आतिफ असलम को समझा पाएंगी कि नफरती चिंटुओं सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश नहीं होगी, जीत प्रेम की इश्क की ही होगी? तो ये पहली बार नहीं है जब प्रोग्रेसिव स्वरा विवाद में रही हूं। पहले भी स्वरा ने कई बार ऐसे कमेंट किए हैं जो देश के लोगों को भड़काने वाले थे। 17 अगस्त 2021 को स्वरा ने ट्वीट कर तालिबान की हिंसा की तुलना हिंदू आतंकवाद से की। स्वरा ने हिंदुओं को आतंकी और तालिबान जैसा बताया। अप्रैल 2016 में स्वरा ने ट्विटर पर एक पोस्ट किए कठुआ उन्नाव रेप केस के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। इस पोस्ट में वो एक पोस्टर लगाया था स्वरा ने और उसमें लिखा था कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं शर्मिंदा हूं। फरवरी 2008 में फिल्म पद्मावत को लेकर के चल रहे विवाद के बीच स्वरा ने फिल्म के जौहर सीन को लेकर संजय लीला भंसाली को चिट्ठी लिखी थी। स्वरा ने जौहर वाले सीन की निंदा की थी। दिसंबर 2019 में जब देश में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो स्वरा ने बेहद विवादित ट्वीट किया था। तब स्वरा ने कहा था कि एनआरसी सीएबी प्रोजेक्ट में जिन्ना का पुनर्जन्म हुआ है, हिंदू पाकिस्तान को मेरा हेलो। यानी प्रोग्रेसिव स्वरा हर मुद्दे पर अपने विचार रखती हैं, लेकिन उन्हें तालिबान की हिंसा की निंदा के लिए हिंदू याद आते हैं। स्वरा को जौहर से समस्या है, लेकिन वो बुरका और हलाला जैसी दूसरी बुराइयों पर नहीं बोलती हैं। और हद तो यह है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क को हिंदू पाकिस्तान कहती हैं और खुद के हिंदुस्तानी होने पर शर्मिंदगी जताती हैं। क्या स्वरा को नहीं मालूम कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्री प्रेस, महिलाओं की आज़ादी, अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे कई मुद्दों पर भारत पाकिस्तान से कई कदम आगे है? क्या स्वरा को इन मुद्दों पर अपने देश पर गर्व नहीं करना चाहिए? यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।